नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो वत्सायानम नमो वत्सायानम नमो लोए सब साहुनम नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पाप पणासनो सब पाप पणासनो मंगरानंच सव्वेसि मंगरानंच सव्वेसि परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जगत भरना संत पुरुषोनु योग बल जगत भरना संत पुरुषोनु योग बल जगत भरना सत पुरुषोनु योग बल जगत भरना सत पुरुषोनु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी हम सब महात्माओं ने हम सब महात्माओं ने परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जगत ना सर्व जीवो सुख ने शांति ने पाओ जगत ना सर्व जीवो सुख ने शांति ने पाओ जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पाओ जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पाओ जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पाओ जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पाओ जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मुक्ति के मार्ग में ये तय करना है कि हमको छूटना किस है किससे मुक्ति पानी है यह हमारा मेन सब्जेक्ट है मुक्ति पाना है किससे पाना है शरीर से पाना है आत्मा से पाना है या अज्ञानता से पाना है तो अज्ञानता से पाना है तो आत्मा और शरीर दोनों सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि तो आत्मा तो है और शरीर कुदरती रचना है तो दोनों में कोई करेक्शन करना नहीं है अभी सिर्फ अज्ञान निकालना है अगर अज्ञान निकल गया वही मुक्ति है अज्ञान से ही कर्म बंद होता है अज्ञान से ही जन्म मरण होता है और अज्ञान से ही भुगतान होती है अज्ञान नहीं है तो जन कर्म भी नहीं है जन्म मरण भी नहीं है और भुगतान भी नहीं है जैसे महावीर या और कोई भी केवल ज्ञानी को लेंगे राम को तो उनको तो कर्मों की भुगतान हुई मगर वो भुगतान नहीं लेती क्योंकि अज्ञान नहीं था नए कर्म तो नहीं बने मगर भुगतान भी नहीं लगे क्यों क्योंकि ओनर नहीं था ने? अगर मन वचन कहा है कि मैं मालिक हूं तब तो मेरे को असर होगी मगर मालिक ही नहीं हो तो इसीलिए ये जो शरीर जो है शरीर तो कुदरती रचना है उनका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है तो इसीलिए मुक्त इससे मुक्ति नहीं होना है इससे तो हर व्यक्ति की मुक्ति कंपलसरी है क्या है उसमें कोई ऑप्शन तो इससे मुक्ति पाना वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ देंगे नहीं आत्मा को करेक्शन करना है वो भी नहीं करना है तो करेक्शन कहाँ करना है सिर्फ अज्ञान को नहीं करना यानी हमारा कॉन्सेप्ट हर बाबत में क्लियर होना चाहिए गोल गोल नहीं हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए अज्ञान को निकालना इसको सुधारना वो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए हर बात के अंदर विज्ञान का मतलब ही है क्लैरिटी कि हमको कहाँ हमारा फोकस डालना है
कौन से लेवल पे हमको पुरुषार्थ करना है ये तो मालूम होना चाहिए ना, वही नहीं मालूम होता है। फिर लोग कहेंगे ये करो वो करो वो करो ये नहीं करो, मगर ये सब्जेक्ट आपका है ही नहीं, करो तो भी नहीं है और ना करो तो भी आपका नहीं। ये प्रकृति का सब्जेक्ट है और प्रकृति तो कुदरती संयोग के अधीन करती रहेगी या नहीं करती रहेगी, इसमें न पुरुषार्थ है न आपकी स्वतंत्रता है, ये मैकेनिकल है, क्या है तो ये पहले समझना पड़ेगा कि आखिर मुक्ति किससे पानी है, अज्ञानता से। फिर शरीर होता है तो भी तकलीफ नहीं है, जैसे ये मकान के हम मालिक हैं, ठीक है, और कोई 15 साल के बच्चे ने दोपहर के समय एक पत्थर लगा के ग्लास को फोड़ दिया, हमने देखा तो क्या होगा, रिएक्शन आएगा, आएगा और गुस्सा भी होगा। थोड़े समय के बाद हमने इस मकान को बेच दिया, सेल कर दिया, एग्जैक्टली सामने वाले मकान में रहने के लिए चले गए। महीने के बाद वही लड़का दूसरी बार आया, उन्होंने वही पुराने मकान का दूसरा ग्लास तोड़ दिया, हमने देखा भी, क्या होगा, मकान भी वही, मैं भी वही, लड़का भी वही और एक्सरसाइज भी वही, पहले हुआ अभी नहीं हुआ क्योंकि पहले मालिक की थी उसके बाद अभी नहीं है। तो जिसके मन वचन का है कि मालिक की लास्ट बर्थ में खत्म हो जाती है, इसको भुगतान होगी नहीं होगी, समझ में आया ना, ये प्रिंसिपल की बात है, मालिक ही है तब तो राज बस है, जब मालिक ही नहीं है तो लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन है, यानी आत्मा का स्पष्ट अनुभव हो गया है, अभी शरीर का मैं चलाने वाला नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ और शरीर भी नहीं हूँ, ऐसा उनको क्लियर हो चुका है क्योंकि आत्मा का अनुभव हो चुका है। अभी उसके लिए शरीर क्या भुगतान करती है, शरीर की लाइफ क्या है, शरीर के संजोग क्या है, वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। खास ध्यान रखने का है, हमारा फोकस है अज्ञान को मिटाना। इसीलिए मैंने सत्संग में भी बहुत बार कहा है कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर सत्संग में आने का मतलब न कुछ पाना है न कुछ खोना है, क्या बताया, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, हम सब यहाँ अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए, किसके लिए आए, अज्ञानता को मिटाना, कोई चीज पाना है या खोना है वो सब्जेक्ट नहीं, वो तो रिलेटिव सत्य है और वो कुदरती रचना है, मगर अज्ञानता को मिटाना है वो हमारा सब्जेक्ट है, और अज्ञान के लिए विज्ञान को समझना है, और विज्ञान उन यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई मालिक नहीं है, मैं तो सिर्फ यही विज्ञान को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये तो सनातन सत्य है, क्या है, कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सके, मेरे मिले बिना भी कर सकते हैं, इसमें कोई मोनोपोली नहीं है, उनके पास यही विज्ञान को समझने की दृष्टि चाहिए। विज्ञान में कोई भी व्यक्ति ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस का अनुभव कर सकते हैं अगर उसके पास सही दृष्टि है तो, समझ में आए, तो इसीलिए हमको क्लियर मालूम होना चाहिए। यस, एक सवाल आता है कि मोक्ष जाना है तो पाप और पुण्य दोनों जीरो होने चाहिए, मतलब ये सही है, मोक्ष में जाना है तो पाप और पुण्य दोनों जीरो होना चाहिए, अपने आप हो जाता है, हाँ, मतलब वो स्टेज से पहले ये अपने आप जीरो हो जाता है, तो अभी नया बनेगा नहीं, पुराना खत्म हो गया बस, तो अभी जब हम ये स्टेज में हैं तो ये सवाल आता है कि जो कंफर्टेबल सिचुएशन होती है तब हम अपने आप को अलग रख पाते हैं, समझो कुछ दान कर दिया तो दान कर रहे हैं, हमारे लिए तो कंफर्टेबल सिचुएशन है, तो वो उस टाइम में सोचते हैं कि हाँ मैं अलग हूँ और ये कुदरत करा रहा है, बट जब सिचुएशन निगेटिव होती है, किसी ने समझो झगड़ा कर दिया या मार दिया या कुछ हो गया, तो उस टाइम पे वो चालू हो जाता है मन में, उस टाइम पे कर्म बन जाता है,
तो फिर ये सिचुएशन में ऐसे होता है कि पाप तो हो ही, मतलब पुण्य तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम कभी भी पुण्य के टाइम पे बोलते हैं कि ये मैं हूं ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं रहा हूँ। बट वो पाप वाला जो सिचुएशन आता है उस टाइम पे होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि पुण्य नहीं हो रहा है और पाप का जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है? ऐसा नहीं होता है। पाप और पुण्य वो अपनी अज्ञान मान्यता से बनते हैं, सिर्फ क्रिया से नहीं बनते हैं। जितनी अज्ञान मान्यता है, कुछ भी नहीं करूंगे तो भी पाप बनेगा और कुछ भी नहीं करूंगे तो ही पुण्य बनेगा। पाप और पुण्य क्रिया से नहीं बनते हैं, दृष्टि से बनते हैं। और दृष्टि में जैसी अज्ञानता है वैसा पाप पुण्य बनेगा। तो बड़ी बात यह है कि हमारे पास आज ये विज्ञान, जो इसको हम आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान की जो उपलब्धि है वो इतनी बड़ी है कि आप ये विज्ञान सुनकर समझकर किसी भी साधु संत सन्यासी को कहोगे जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो आपके ऊपर बहुत गर्व करेगा। कैसा विज्ञान, कहाँ से लाए तुम, हमारी समझ के बाहर था, मगर लगता है कि ये बात में तो कुछ पावर है, क्या है। तो इसीलिए ये विज्ञान को प्राप्त करना, सुनना, समझना, उपयोग करना, अनुभव करना, ये कलयुग में, इस काल में बहुत बड़ी स्थिति है। आम लोग इसको समझ भी नहीं पा, मिलता भी नहीं, सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? सुनने के लिए भी नहीं मिलता है, आप समझे ना। तो आप सबको ये विज्ञान सुनने को, समझने को मिलता है, ये आपकी बहुत बड़ी पुण्य का हो, हाई क्वालिटी की पुण्य। दृष्टि बिठाना, जो हम लोग जब कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है, बट ऐसी जो सिचुएशन आती है कॉम्प्लेक्स, तो उस टाइम पे हम मेबी दो दिन के बाद या दो सेकंड के बाद रियलाइज होता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, बट उस टाइम पे तो नहीं होता है। तो उस टाइम पे तो कर्म बनता है ना, तो फिर बाद में जब रियलाइज होता है तो वो निगेट हो जाता है, या फिर कर सकते हैं प्रायश्चित करके इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, मगर प्रायश्चित जो बात है, मैंने कहा ना कि प्रायश्चित करना वो एक प्रकार की अज्ञानता है। क्या है अज्ञानता? क्या है प्रायश्चित में? मैंने गलती किया है और मेरे को माफी मांगनी है, ये दोनों की फ्रीडम आपके पास है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मन वचन काया पर और पराधीन है, आपके कंट्रोल में हुए वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा फर्स्ट, और माफी मांगने की फ्रीडम आपके पास है वो भी स्वीकारना पड़ेगा। फिर साइंस रहेगा, फिर धर्म रहेगा। धर्म डूअरशिप के ऊपर है, साइंस नॉन डूअरशिप के ऊपर है, दोनों का प्रिंसिपल अलग है ना। धर्म क्रिया से ही होता है, क्या बताया, धर्म में एक्शन का ही इम्पोर्टेंट है, अध्यात्म में एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंट है, दोनों का एंगल क्या है, अलग है। अध्यात्म में एक्सपेरिमेंट है और धर्म में एक्सरसाइज, तो दोनों का एंगल चेंज हो गया है। अध्यात्म में अज्ञान को नाश करना थ्रू योर विजन वो इम्पोर्टेंट है, धर्म में प्रकृति को सुधारना, बदलना, चेंज करना ये इम्पोर्टेंट है, आप समझे ना। दोनों में अंतर है ना, तो बात समझना है, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। जिसको अच्छा संसार चाहिए, पुण्य चाहिए, सुविधा चाहिए, दुख के भुगतान नहीं चाहिए, उनके लिए धर्म बराबर है और उसी को फॉलो करना चाहिए, मगर इससे मुक्ति नहीं होगी क्योंकि अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान पक्का होगा। जैसे आरती करूँगा, मैं करता हूँ, अज्ञान पक्का होगा। माला गिनता हूँ, मैं गिनता हूँ, अज्ञान पक्का होगा। पूजा करता हूँ, मैं करता हूँ, अज्ञान पक्का होगा। पुण्य मिलेगा मगर अज्ञान क्या होगा, पक्का। और अध्यात्म मार्ग में निकालना किसको है, अज्ञान को, समझ में आए। तो दोनों का एंगल डिफरेंस है।
साइंस में क्षमापना का मतलब होता है फियर। क्या होता है फियर? फियर समझते ना, बस। रामकृष्ण माई को इतनी भुगतान आई, क्यों आई थी? अगर उनके पास अगले अवतार में ज्ञान होता और माफी मांगी होती तो ऐसा आता? इतनी भुगतान आती मगर क्यों आई? क्योंकि नहीं माफी मांगी, मगर उन्होंने क्या किया? अज्ञान को मिटा दिया। सफरिंग सफरिंग नहीं लगा, सफरिंग आया मगर लगा नहीं क्योंकि अज्ञान नहीं था, और वही अवतार में मोक्ष में गए। यस और नो? देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस, साइंस को समझने की कोशिश करो, और धर्म, दोनों का मार्ग ही अलग है। धर्म अच्छी तरह संसार को चलाने के लिए और आध्यात्म विज्ञान संसार को समाप्त करने के लिए। दोनों का एंगल क्या है? डिफरेंट है, दोनों का गोल ही डिफरेंट है। तो दोनों में से गलत नहीं, आपको चूज करना है कि मेरे को कौन से पथ पर जाना है। आप समझे? हर बात में साइंस समझो, कुछ भी प्रायश्चित करना न करना वो आपका हाथ में नहीं है। सिंपल समझ लो, गलती करना वो भी आपके हाथ में नहीं है, प्रायश्चित करना वो भी आपके हाथ में नहीं है। मगर अज्ञान है, धार्मिक है, तो गलती भी आपने किया है और क्षमा भी आपको मांगनी है। बस सिर्फ अज्ञान है, बाकी है उदय कर्म। क्या है? गलती होती है वो भी उदय कर्म, माफी मांगते हैं नहीं मांगते हैं वो भी क्या है? उदय कर्म। क्रिया मात्र उदय कर्म है, इसलिए दादा भगवान ने कहा कि मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरत रचना। अवस्था मात्र यानी ऑल, नॉट सम ऑफ देम। समझ में आया? तो घूम फिर के मतलब वही चीज है कि आप वापस दृष्टि से, दृष्टि जो है उससे ही तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। तो वापस वही होता है कि मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में तुम्हारा दृष्टि आपका बैठ जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका दृष्टि अगर नहीं बैठता है। अब हम आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से करें और उस पर कोई एक्शन ना ले और फिर दो दिन बाद दृष्टि बैठ जाए कि वो गलत हुआ, मतलब वो जो हुआ वो कुदरती रचना थी, तो दैट्स ओके, उसके आगे कुछ नहीं करना है। वैसे भी क्या करना है, कुदरत ने तो साफ बोल दिया है कि मैंने किसी को ब्रीद देने के फ्रीडम नहीं दिया है। नहीं, बट वो सिचुएशन में भी मुझे वो दो दिन पहले जो किया था एक्शन जो भी था उस पे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? वो आपका उदय कर्म है और कर्ता भाव है तो कर्म लगेगा। कर्म क्रिया से नहीं बनते, भाव से बनते। मैंने कहा है इट इज अ प्रिंसिपल। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम मोक्ष में गए क्यों गए? क्रिया तो हिंसक थी, फिर क्यों गए? राम ने उस टाइम को कर्ता भाव नहीं था राम को, तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हम वो स्टेज पे नहीं है तो मैं वही नहीं है तो पर आने का है कि नहीं? यस, स्टेज तो वही लाने का है ना। yes. अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, इट इज ओके, दैट इज माय गोल। पर स्टार्ट फ्रॉम केजी, यस और नो? बोला केजी में जाके क्या करूंगा, मेरे को डॉक्टर बनना है। इट इज अ प्रोसेस, उसमें क्या करूंगा? गोल के मुताबिक आप डेवलप बनो, बस। स्टार्ट तो वहां से ही होगा, उसमें तो गलती नहीं है आपकी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। yes. तो वो गलती नहीं है, एक एक करके आप आगे बढ़ रहे हो। एवरी स्टैंडर्ड यू गो अहेड अहेड एंड अहेड, दैट इज द वे टू रीच योर गोल। और फिर जंप लगाने का नहीं है, समझे आप? तो बात ये है, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये स्पिरिचुअल साइंस को सभी प्रकार के एंगल से समझने की कोशिश करो, सभी प्रकार के एंगल से, तभी आपको मालूम होगा कि आखिर ये विज्ञान शब्द जो है वो क्यों उपयोग किया। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, हर अवस्थाएं 6 तत्वों से बनी है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, तीनों पिंडेशो ब्रह्मांड है। आप समझे? ब्रह्मांड भी 3 6 तत्वों से बना है, अवस्था भी 6 तत्वों से, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, ये शरीर भी 6 तत्वों से बना है। समझ में आया? तो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं है।
और डिफरेंसेस कहाँ होता है? अवश्य जो उदय कर्म है और उसमें हम फंस गए, समझ में आया? तो मतलब क्या है, हम इसीलिए रिलेटिव सत्य में फंस गए। किसमें फंस गए? रिलेटिव सत्य में, और सनातन सत्य भूल गए। तो सनातन सत्य की दृष्टि वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, रिलेटिव सत्य तो वो उदय कर्म है। सही है या गलत है, दोनों क्या है? उदय कर्म। उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है तो समझ में आए। लेकिन स्वामी जी इसमें जो है तो, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कैसा हो, वापस उसे दृष्टि एकदम क्लियर करनी चाहिए। डेवलपमेंट वही होगा जैसे जैसे अज्ञान निकलता जाएगा, दैट्स योर डेवलपमेंट। यू पास योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे जैसे अज्ञान मिटेगा आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। स्कूल में क्या करते हैं? यही तो करते हैं, आगे का एजुकेशन, आगे का एजुकेशन, आगे का, यही तो डेवलपमेंट है। तो अध्यात्म में और उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही प्रोसेस है। स्कूल में भी हमको लगता है टीचर ज्ञान देते हैं, यहाँ भी लगता है कि ज्ञानी ज्ञान देते हैं। नहीं, बोथ आर द ओपनर, नोबडी इज क्रिएटर। आपके अंदर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में, मेडिकल में, आप समझे, मगर आपके अंदर डॉक्टर बनने का बीज नहीं है तो मैं नहीं बना सकता हूँ। इट इज़ नॉट माई अनएबिलिटी। और जब बीज नहीं है तो फल कैसे आएगा? तो प्रश्न, आई एम नॉट क्रिएटर बट द ओपनर। हम क्रिएटर मानते हैं, क्रिएटर नहीं है, ओपनर है। तो ये हर बातों का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको तो विज्ञान कहते हैं। रिलेटिव सत्य अलग है और सनातन सत्य अलग है। दोनों अलग है। लोग क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अध्यात्म के मार्ग में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको लगता है कि हम प्रगति करते हैं अध्यात्म के मार्ग में। तो अध्यात्म में कहते हैं कि अध्यात्म में प्रगति है ही नहीं, आप खुद ही, आप खुद ही संपूर्ण हो। आप समझे, अभी निकालना क्या है, अज्ञान, वो प्रगति नहीं है। जैसे अज्ञान निकलेगा आपका ज्ञान अनकवर होगा, अज्ञान निकलेगा आपका ज्ञान अनकवर होगा। आपके पास तो है, यू आर फुल मून, बट क्या है, आवरण खाली कम कर दे। और संसार में क्या कहेगा, पाना है। व्यवहार में क्या कहेगा, ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। धर्म में क्या कहेगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या तो पुण्य प्राप्त करना है, पाप नहीं करना है, या तो प्रायश्चित करना है। यहाँ करना है और पाना है धर्म में, अध्यात्म में कुछ पाना और कुछ खोना भी है नहीं। आप जो है वो खुद ही संपूर्ण हो, ज्ञान दर्शन और चारित्र से, अपने अस्तित्व से, और आप खुद ही चेतन हो। उसमें प्लस माइनस नहीं करना है, मगर जो कवर है इसको अनकवर करना है, दैट इज द पाथ ऑफ मोक्ष। तो यहाँ पहले हमारे, हमारी दृष्टि में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो फिर अपना देश और बढ़ेगा। अभी आप समझिए, जहां तक कंफ्यूज है वहां तक ले, नहीं होता है, आप समझे ना। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र ने बहुत अच्छी बात बताई कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू देहनो एज धर्म नो मर। एज धर्म थी मोक्ष से, देहाध्यास छोड़ी ना को, हूँ करो हूँ करो एज अग्निहता, देहाध्यास छूट हो जाए, भाई देह शू करे थे, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। देहाध्यास मारी दृष्टि माथी छूट हो जाए बस, पची देह शू करे थे मारो सब्जेक्ट, उदय कर्म ने आदि चेक करे, समझाए छे। એટલે દ્રષ્ટિમાંથી ઓનરશિપ ડુઅરશિપ ખલાસ થઈ જવું જોઈએ। એટલે બાકી જો ભી રહેતા હે બાદ મે અપના દેશ વો તો અપના કર્મ કા ઉદય હી હૈ હૈ પર સર્જી હૈ। મેને બિગિનિંગ મે કહા કે હમકો માલૂમ હોના ચાહીએ કે હમકો મુક્તિ પાના હૈ, કિસસે મુક્તિ પાના હૈ, આત્મા સે પાના હૈ, શરીર સે પાના હૈ, બરોબર, અજ્ઞાન સે, અજ્ઞાન સે મુક્તિ પાના હૈ। ઇનકો મુક્તિ તો કુદરત કરેગી,
क्योंकि ये तो श्वासोश्वास चलता है, श्वास बंद हो गया तो उसकी तो मुक्ति हो गई, जला दिया जाएगा। तो इसकी मुक्ति हमको नहीं करनी है, आत्मा की नहीं करनी है, करनी किसकी है? अज्ञानता की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए पुरुषार्थ में, अज्ञान को नाश करना। क्यों? क्योंकि अज्ञान को ही आपने ज्ञान माना था, अज्ञान को ही आपने पुरुषार्थ माना था, अज्ञान को ही आपने प्रगति माना था। मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, उसने आपने प्रगति माना था, आपने ज्ञान माना था, आपने अचीवमेंट माना था। अभी आपको मानना पड़ेगा ये शून्य है क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। आप समझे, ये शून्य है। जो भी ज्ञान संसार में प्राप्त किया वो शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि आत्मा को ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अनंत ज्ञान वाला है। अनंत ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया के ज्ञान का टोटल, वो अनंत ज्ञान नहीं है। ये बिना से ज्ञान को टच नहीं करता है, वो अनंत ज्ञान है। टोटल ज्ञान, दुनिया के सभी प्रकार के ज्ञान का टोटल, वो अनंत ज्ञान नहीं है। इसे मुक्त रहना वो अनंत ज्ञान है, क्योंकि तो विनाशी है, रिलेटिव सत्य है। क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर अकाउंटेंट हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये सब ज्ञान विनाशी है। क्योंकि आत्मा नहीं है तो कोई ज्ञान ही नहीं। ये तो आपको फैकल्टी ओपन हुई है, आपके भाव से आपने बीज डाला था, मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए। नेचर विल गिव द सर्कमस्टेंसेस, आपने कहा मेरे को चार्टर अकाउंट बनना है, वो बन गए। आपने कहा, आपने भाव किया था कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन गए। एक फैकल्टी ओपन हो गई है। ये आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा के प्रकाश में ही आपने ये ज्ञान पाया, वो कॉर्नर आपका खुला हो गया। मगर ये ज्ञान को ज्ञान मानोगे, ये रिलेटिव सत्य है। ये ओरिजिनल ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। क्या बताया? प्रकाश। वो प्रकाश ज्ञान वाला है, मगर कौन सा ज्ञान उसमें है? ये शब्दों का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान उसमें नहीं है। शब्दों और क्रिया का ज्ञान नहीं है, मगर क्रिया शब्दों का ज्ञान इससे खुला होता है। क्या होता है? जहाँ फोकस डालेंगे वो अनकवर हो जाएगा, जहाँ फोकस डालेंगे अनकवर हो जाएगा। यही तो आत्मा की शक्ति है, ये आंखों की शक्ति नहीं है। आपने आपने फैन को देखा ऐसा करके, और फिर आपको मालूम हुआ कि ये फैन है, ये आंखों की शक्ति नहीं है, नहीं आत्मा की शक्ति भी नहीं है। नहीं, आत्मा के उसके पीछे जो है, जो है उसको प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा की हाजिरी में उसको ज्ञान मिला है, व्यवहार ज्ञान, ये पंखा है। मगर आत्मा नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, और सर तो जड़ है। मूल आत्मा की शक्ति, हर प्रकार की शक्ति का स्रोत है आत्मा। फिर बाद में जब अज्ञान होता है तो वो शक्ति रिलेटिव शक्ति के रूप में काम करती है, और वो हमको संसार में घुमाती है। बस वही शक्ति है, जब अज्ञान आ गया तो घुमाएंगे। पैसा जो है वो पैसा प्राप्त करना वो पुण्य का काम है, पैसा का यूज करना, सदुपयोग करना वो भी पुण्य का काम है, या तो व्यवहार का काम है। मगर वही पैसे का दुरुपयोग करना वो पाप का काम है। तो इसमें पैसे की गलती नहीं है, पैसे की गलती नहीं है, आत्मा की गलती। लेकिन अपना जो दुरुपयोग करेंगे वो भी अपने कर्म का उदय ही होगा ना। वही मैं कहता हूँ कि इसमें आत्मा की गलती नहीं है, पैसे की गलती नहीं है, शरीर की गलती नहीं है। ये कर्म के बीज में आपने जो गलत बीज डाला था उसका ये क्या है? बिना बीज तो फल नहीं आएगा, तो हमको रूट समझना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, इसने गलती किया, अभी 3 दिन का उपवास करवाओ, इसकी गलती कहाँ है? मगर ये तो इंस्ट्रूमेंट है। एक व्यक्ति ने क्रिकेट मैच हार गए तो तोड़ दिया टीवी, मगर टीवी की क्या गलती है? उसमें तो 1000 चैनल आते, जो देखना है वो देखो, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट गलती होती है, तुमको जो देखना है वो देखो, टीवी को क्यों तोड़ दिया? तो आप समझे कि नहीं, ऐसे लोग करते हैं, गलती इसकी नहीं है, ये तो कर्मों के भुगतान का साधन है।
गलती आपके बीच में है तो करेक्शन वहां करना है, यहाँ नहीं करना है। तो हर बात के अंदर हमको समझना पड़ेगा रिलेटिव सत्य क्या और सनातन सत्य क्या। और बाकी जो धर्मों के अंदर जो व्रत जप तप उपवास बताए वो एक ट्रेनिंग है तितिक्षा गुण की, चाहे खाना नहीं मिले तो भी आप जी सकते हैं। आप समझ लो कहीं घंटा बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं बोलना है तो ऐसा भी सामायिक में आप बैठ सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस है क्या, हाँ ये अंतिम सत्य नहीं है, प्रैक्टिस है। कई संजोग ऐसा है कि कुछ भी बोलना नहीं पड़े तो ये प्रैक्टिस हो गई है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे जैसे आदमी या व्यक्ति जैसे जैसे रिटायर होती है और बाहर की एक्टिविटीज कम हो जाती है तो बोलना वो कम कर देती है, एक्शन वो कम कर देती है, अपने विचार को दूसरे के ऊपर लगाना कम कर देती है, अपने आप में डिफेंस में आ जाती है। तो पहले से प्रैक्टिस किया है तो इसको हेल्प होती है कि चलो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, बस भगवान की पूजा करूँगा, आरती करूँगा, माला गिनूँगा, पुस्तक पढ़ूँगा, तो जाने में अपने आप मौन हो जाऊँगा। तो वो मौन और ये मौन मेरे को हेल्पफुल हो जाएगा, फिर ये मौन फिर मेरे को सफर ही नहीं लगेगा। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं है तो फिर सफर ही नहीं लगेगा, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। यू अंडरस्टैंड दैट, ये हर बात है प्रैक्टिस के लिए है। इसको कहते हैं वेदांत में तितिक्षा। बोलिए तो आपने इसमें जो एग्जांपल जो दिया उसमें फिर अपना खाली अपने ये जो गलत है बस खाली वो ही मन में भाव लेके उसको खाली छोड़ देना, बाद में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलत है मतलब अभी जो एग्जांपल जो दिया अभी मैंने अपना जो वो टाइम तो मुझे ख्याल में नहीं रहा, सेपरेशन मेरा नहीं रह गया, लेकिन मैं सेपरेशन मेरा नहीं रह गया बस उतना खाली अपना वो खाली समझ लेना और आगे बढ़ने का, और उतना ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना करना चाहते तो कर सकते हैं कि ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक नहीं। That's it. बस उतनी और कुछ अपने ज्यादा करने की में जाने की ये इसको करेक्शन नहीं करना है, बीच में करेक्शन करना है, उतना खाली अपने भाव अपने को खाली कर देना है। ओके यह कोई अभी वो लास्ट टाइम भी मैं अपने बात किया था ना कोई कुन कुन आचार्य ने भी बुलाना अपना जैसे वो अपना जे के प्रतिक्रमण करना किसके अपना गुरु के सामने अपना पूरा वो जो करना सब जो चीज है वो तो पॉट ऑफ द पॉइजन है। क्या है पॉइजन है पॉइजन पॉट ऑफ द पॉइजन है वहां तक कुन कुन आचार्य ने बोले। Okay, ये जो आपने बोला ना वो जब भी स्थिति आ जाती है वो टाइम ये समझ के उसको बोलने okay, उसका भी अपना जो दादा की माफी उसका भी अपने व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं वो ही नहीं दोनों नहीं से वो भी जा रहे थे उनको दर्शन अभी जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ से आज से 50-100 साल बाद जब लोग ये वीडियो देखेंगे हाजिर जाने तो नहीं रहेंगे तो वो समय ये वीडियो कितना है तो लोगों को वो तो रिलेटिव सत्य रहेगा रिलेटिव सत्य। कई लोग कोई एक बात को पकड़ के आगे चलेंगे कोई दूसरी बात पकड़ के आगे चलेंगे तीसरी बात को पकड़ के ऐसा होता है क्योंकि विजन नहीं है नॉलेज है मगर विजन विजन अलग चीज होती है नॉलेज अलग चीज है। आपको जैसे आप मजदूर हो और दूसरा इंजीनियर है और इतना बड़ा मशीन है तो जिम्मेदारी इंजीनियर की है मैकेनिकल इंजीनियर की और आप लेबर करते हैं तो वो क्या कहेंगे ये मशीन में यहाँ जो स्क्रू है वो निकाल दो और नया फिट कर दो ठीक है फिर भी चालू नहीं होता है तो बोला अभी ये पार्ट निकाल के नया डाल दो। यानी उसके पास विजन है आपके पास लेबर है आप जो कहेंगे वो करेंगे उनके पास पूरा विजन है मशीन का तो उनके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके पास विजन नहीं होगा वो लेबर है तो कोई एक बात को पकड़ लेंगे कोई दूसरा बात को पकड़ लेंगे कोई तीसरे बात को पकड़ लेंगे ऐसा होगा। आज क्या हुआ है हर व्यक्ति के महान पुरुषों की बात देखो क्या किया है कोई कहते हैं महावीर ने तब की बात बताया तो तब में चले गए कोई कहता है कि नहीं सामायिक में सामायिक की बात बताया तो उसमें चले गए किसी ने प्रायश्चित की बात बताया तो उसमें चले गए किसी ने कहा कि नहीं भी आरती तो करनी चाहिए रोज उसमें चले गए कोई कहते हैं पूजा पाठ करना चाहिए तो उसमें चले गए। पूरा पैकेज समझ में नहीं है सबने अलग अलग चीजें पकड़ लिया अपने हिसाब से
तो अगर ये एक बार ज्ञान समझ में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अभी जो हम ज्ञान समझ में की प्रोसेस में है, और एक जिसको ज्ञान समझ गया है वो बुलेट ट्रेन के जैसे भागता है, और हम अभी भी समझ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, नहीं चल रहे, तो हम लोग लोकल ट्रेन की तरह चल रहे हैं। समझ गया, मतलब कह सकते हैं जो श्रपक श्रेणी शास्त्र में लिखा है, मतलब समझने के बाद आपकी जो स्पीड हो जाती है, क्योंकि आपका निरंतर आपका निरंतर आपकी जो जागृति है उससे आप कभी चुकते ही नहीं हो, तो आपके बीच पड़ ही नहीं रहे, बीच पड़ ही नहीं रहे, तो मतलब बस फटाफट खलासी हो रहा है, खत्म ही हो रहा है। बीज तो खैर लास्ट बर्थ में नहीं होता है, लास्ट बर्थ के पहले हर बर्थ में बीज होता है, सभी को, ज्ञानी को भी होता है, सबको होता है, मगर बीज का प्रकार अलग अलग होता है। एक संसार बढ़ाने वाला है और एक संसार को समाप्त करने में सहायक होता है, तो बीज में अंतर होता है। पुरुषार्थ इज इक्वल टू बीज, लास्ट बर्थ में स्वभाव होता है तो बीज लास्ट के अगले बर्थ में भी पुरुषार्थ होता है तो बीज है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, मगर बीज पुरुषार्थ का मतलब ही बीज। तो ये चार जो घाती कर्म है इसके कारण बहुत बड़े बीज पड़ते हैं जो लंबे समय तक हमें अटकाता है। ये चार घाती कर्मों का अंत मोक्ष के कितने निकट के पहले होता है? घाती कर्म का क्षय तो लास्ट वर्ष से एक या दो वर्ष पहले खत्म हो जाता है। घाती कर्म ही कैरी फॉरवर्ड होता है, अघाती कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो तो एक वर्ष के लिए होता है, पिछले वर्ष का कर्म ये वर्ष में खत्म हो जाएगा, नाम गोत्र वेदनी आयुष्य वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। घाती कर्म तो अज्ञानता से बिगिनिंग से कैरी ऑन होता है, आप समझे, वो क्यूमुलेटिव होता है। क्या होता है? इसलिए तो गाढ़ बोलते हैं, अघाती कर्म गाढ़ नहीं होते है, पिछले अवतार के अभी डिस्चार्ज होता है बस। तो इसलिए अघाती कर्म कितने अवतारों का है, घाती कर्म सॉरी कितने अवतारों का है, तो अगर उनका मूल से नाश हो गया तो मतलब हम काफी नजदीक आ, फिर अघाती कर्म के कोई वैल्यू भी नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। मन वचन काय से जो भुगतान होती है वो कर्मों की वैल्यू मुक्ति के मार्ग में नहीं है, व्यवहार या धर्म के मार्ग में है, मुक्ति के मार्ग में नहीं है, और वो बाधक भी नहीं है। क्या नहीं है? जिसको केवल ज्ञान होता है इनको अघाती कर्म एज इट इज होते हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म, आयुष्य कर्म एज इट इज रहेंगे, तो वो बाधक नहीं। आप समझे ना? स्वामी जी, केवल ज्ञान के लिए अघाती घाती कर्म का नाश करना है, और मोक्ष के लिए अघाती कर्म भी खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मोक्ष। मगर वो परिणाम स्वरूप है। क्या है? अघाती कर्म परिणाम स्वरूप है, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेन जो पुरुषार्थ है वो चार घाती कर्म का ही नाश में, पुरुषार्थ मेजर पुरुषार्थ। जैसे सिमंदर स्वामी है तो केवल ज्ञान हो गया है तो घाती कर्म क्षय हो गया, अघाती कर्म बाकी है वो लाइफ है उनके, मगर उसमें पुरुषार्थ नहीं है, वो केवल ज्ञान तो हो गए हैं। घाती कर्म का मतलब क्या? आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जो है आत्मा में, इनका घात करती है वो घाती कर्म है। और अघाती कर्म का मतलब होता है जो मन वचन काय से भुगतान करते हैं, बिना सीखना जो मन वचन काय से भुगतान करते हैं, जो सुख दुख पाप पुण्य विचारों से, वाणी से, वर्तन से भुगतान करते हैं हम, इसकी क्रिया से या सामने वाले की क्रिया से उनको भुगतान होती है, ये सब अघाती कर्म है, यानी भुगतान वाले कर्म, शरीर से भुगतने का कर्म वो अघाती कर्म है, और घाती कर्म शरीर से भुगतान नहीं करना है, घाती कर्म वो अज्ञानता है, इससे नए कर्म बनते हैं, अगर वो खत्म हो गया तो कर्म नहीं बनेंगे, भुगतान रहेगी फिर नए नहीं बनेंगे, बस रामकृष्ण मायूर को भुगतान थी, नए कर्म नहीं बने तो राम मोक्ष में गए।
मुक्तान तो करनी पड़ेगी ना, नए कर्म नहीं बने तो मोक्ष में गए, मार भी मोक्ष में गए, भुगतान तो थी मगर नए कर्म नहीं बने तो कहाँ गए? समझ में आता है स्वामी जी? जो बिना से ज्ञान है वो अविना से ज्ञान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? कोई वैल्यू नहीं है वो, संसार चलाने के लिए। हाँ, वो अविनाशी ज्ञान जो है वो संसार चलाने के लिए जो हम पढ़ते हैं वगैरह वो सब अविनाशी है, पर उसको अविनाशी ज्ञान को समझने के लिए मैंने जो विनाशी ज्ञान लिया है उससे मुझे समझ में आएगा? इसको विनाशी ज्ञान नहीं बोलते हैं, ये शब्द है वो दृष्टि देने के लिए है। किसके लिए है? दृष्टि देने के लिए। समझ में आया? दृष्टि, बिना शब्द आपको दृष्टि कैसे मिलेगा? अगर माँ भी कोई कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर कैसे देंगे? शब्द से ही देंगे ना। हाँ। और कृष्ण को प्रश्न करेंगे तो भी शब्द से उत्तर देंगे, राम को प्रश्न करेंगे तो भी, ये तो मीडिया है मगर वो मूल ज्ञान नहीं है, ज्ञान को प्रेजेंट करने का साधन है। आपको समझना है तो विज्ञान को, मगर प्रेजेंट करने के लिए शब्द चाहिए कि नहीं? ये मीडिया है, शब्दों को पकड़ना नहीं है, शब्दों के मर्म को पकड़ना है। शब्द तो मीडिया है आपको, H2O से पानी होता है वो शब्द है, वो पानी नहीं है। हाँ। है तो मगर ये प्रोसेस से पानी हो गया है, ये शब्द पानी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अगर ये विज्ञान समझ में आ गया तो अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि बिना उपयोग कैसे होगी? तो इसलिए मैंने कहा, तो मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ, वाइफ की व्याख्या कंठस्थ होने से वाइफ का अनुभव नहीं होता है, नहीं समझ बस तो व्याख्या तो मिल गई बट द मीनिंग इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल एंड प्रैक्टिकल तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज तो हो गया है। यानी हर चीज के अंदर पहले नॉलेज चाहिए, बाद में एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज रहेगा। आप समझे? और अध्यात्म में नॉलेज की वैल्यू प्राइमरी है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं पर प्राइमरी, इसको पकड़ के रखना नहीं है, आगे करना है, इसके हेल्प से आगे करना है। आज जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं, तो जो पहले जितने भी साइंटिस्ट हो गए उन्होंने बेस बना दिया। क्या बना दिया? बेस बना दिया। अभी उसको हेल्प करके क्या करते हैं? नया नया रिसर्च करते हैं। यस और नो? यस। दैट्स इट। तो ये बेस है, अभी इसको ही कंटेस्ट कर देंगे तो नया कुछ नहीं बनेगा। तो कंटेस्ट करना नहीं है, वो बेस बना के फिर आगे जाऊंगा आगे। आप समझे? वो गलत नहीं है, उसको बेस बनाओ, मगर हमको जाना है उस बेस से पकड़ के आगे जाना है, वो कॉपी नहीं करना है, इसके प्रिंसिपल को समझ के आगे जाना है। तो आध्यात्म मार्ग में ऐसा है, ये अभी तक मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर हम लोगों को हम जब पढ़ते हैं तो वो विनाशी ज्ञान की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन गोइंग फॉर अविनाशी ज्ञान, और वो सब पहले समझ में नहीं आता। अभी जब दादा मिले उसके बाद फिर समझ में आता है कि अविनाशी ज्ञान क्या है, विनाशी के लिए हम कितने पीछे पड़े थे, व्यवहार चलाने के लिए क्या कैसे ज्ञान यूज होता है, क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं बोल पूछ रहा था कि वाई वी आर सो मच बिहाइंड अविनाशी ज्ञान। ये तो ये क्या हो गया, आपका व्यवहार हो गया। हाँ। आपका यानी प्रकृति, प्रकृति बस, प्रकृति जैसी लपेटी है वैसे ही निकलेगी, आपकी या दूसरे की, उसमें पुरुषार्थ भी नहीं है। व्यवहार धर्म और आध्यात्म दोनों अलग है। क्या है? मैंने कहा ना, क्या व्यवहार धर्म में कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ देना है, कुछ लेना है, वो किस में आता है? आध्यात्म में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, सिर्फ अज्ञान को। ये सब रिलेटिव सत्य है। क्या है?
ऐसा सोशल सोशल टॉप क्या बोलते हैं सोशल सोशल टॉप व्यवहार में करेक्ट है क्या बताया अगर, अगर आप 30 साल की उम्र में 26 साल की उम्र में आपने शादी किया फिर 2 साल 3 साल की बच्ची हो फिर 30 साल की उम्र में आपने दीक्षा ले लिया समाज क्या कहेगा क्वेश्चन करेंगे मेरे ऊपर कि क्या ऐसे क्यों किया मगर महावीर को नहीं करेंगे तो ये बात समझ नहीं है जिसको जिसको संसार की परी नहीं है उनके लिए रिलेटिव सत्य इम्पोर्टेंट नहीं है जो संसार अध्यात्म और धर्म दोनों साथ में रखते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है हर बात ओके हर बात में संबंध है दृष्टि इज इम्पोर्टेंट सर्कमस्टेंसेस आर नॉट इम्पोर्टेंट लोग तो कहेंगे महावीर को भी कहा था उनकी धर्मपत्नी कभी मिलने के लिए नहीं गए 42 ईयर्स रहे आफ्टर 30 ईयर्स 42 ईयर्स रहे महावीर कभी मिलने के लिए नहीं गए होल लाइफ विरोध तो रहेगा मगर उसे मुक्ति से कोई मतलब नहीं रहा उनकी तो मुक्ति हो गई उनको कंसर्न नहीं था ना क्या नहीं था उन्होंने महावीर ने अपने शरीर को अपना नहीं माना नॉट ओनरशिप एंड नॉट डूअरशिप समाज तो ये देखेंगे ना कि आपने किया समाज की दृष्टि महावीर की दृष्टि थी नहीं थी महावीर तो यही कहते थे मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा सुधार्थ हूँ और यही इसका स्टेटस था ये उनका स्टेटस नहीं था ये तो कर्मों के भुगतान का साधन था इसमें डूअरशिप ओनरशिप होती है तो कर्म बंद होता और उसकी ओनरशिप डूअरशिप नहीं थी क्योंकि अज्ञान नहीं था वो दुनिया क्या कहती है वो दुनिया का सब्जेक्ट है उनका नहीं मगर आपके पास भी अज्ञान है दुनिया के पास भी अज्ञान है तो राग द्वेष होगा आप समझे मगर आपके पास बिल्कुल अज्ञान नहीं है तो रिलेटिव सत्य आपका सब्जेक्ट नहीं है मगर दुनिया का तो रहेगा तो समझना पड़ेगा हर बातों को जब साइंस समझोगे तो प्रिंसिपल समझोगे तो भी मालूम होता नहीं तो क्या होता है फिर पजल होता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ ऐसा नहीं हर व्यक्ति के लिए सिद्धांत तो एक ही है हम समझ नहीं पाते हैं वो हमारी अज्ञानता है सिद्धांत किसी के लिए अलग अलग नहीं है सबके लिए जो जो कुदरत का कानून राम कृष्ण महावीर के लिए था वही कानून अपने लिए हमारे लिए है सबके लिए अलग अलग नहीं है आप समझे स्वामी जी अपना यहाँ पे भी भरत क्षेत्र में पांचों आरा चल रहा है तो अभी ये पांचों आरा में सब बेसिक रीजन क्या पे हम लोग कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी छठे या सातवें गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते इसके लिए बेसिक क्या रीजन क्या है वो शास्त्रों में बताया है मगर ऐसा नहीं है ऐसा ओके 11 तक जा सकते हैं मगर वो अप्स एंड डाउन्स है अप्स एंड डाउन्स ओके बार तक नहीं जा सकते हैं ओके 11 तक जा सकते हैं परिणति है परिणति है 7 to 11 परिणति है 7 तक डेवलपमेंट है डेवलपमेंट हो गया अभी अनुभव बाकी है 4 to 7 डेवलपमेंट है डेवलपमेंट आपका हो गया अभी एक्सपीरियंस बाकी है सब कुछ समझ में आ गया आपको साथ में अभी एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस वो बाकी रहा बस तो उसमें क्या होता है अप्स एंड डाउन्स ओके कभी कभी आप इसको उपयोग कर सकते हैं कभी नहीं भी कर सकते हैं तो प्रमाद बोलते हैं ना मतलब प्रमाद होता है तो आप जिम्मेदार भी हो नहीं होता 11 तक होता है 12 नहीं होता है केवल दर्शन नहीं होता है किसी को इसलिए तो कहा कि ये क्षेत्र से डायरेक्ट या मोक्ष नहीं है वही क्यों नहीं ये दो बातें हैं शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमता नहीं है क्षमता नहीं है ओके जो पहले लोग साधना करके स्टेबल रह सकते थे वो अभी आज नहीं आपको
पहले जमाने में लोग 6 महीना 12 महीना 2 साल तक एक ही जगह पर खड़े हो सकते थे, धूप होती है, बारिश होती है, ठंडी होती है, मच्छर बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं होता था। ये उनकी शारीरिक और मन मानसिक क्षमता थी जो आज समझिए। अभी भी देखो गिरनार और वहाँ पे अभी भी देखो 500-600 साल के आदमी भी अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे। कभी आदमी हो ना एक अलग बात है और कैपेसिटी का क्षमता वो अलग बात है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हिमालय में जाओ हो सकता है, एक्सेप्शनल केस नॉर्मल नहीं है, फिर भी उसको कहेंगे क्षमता, वो क्षमता नहीं है। कभी शारीरिक क्षमता होती है तो मानसिक नहीं है। ये काल ही ऐसा है, ये अपना काल का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, काल क्षेत्र सब आ गया दोनों का। पूरे भरत क्षेत्र में अभी कलयुग है 6 खंडों के अंदर। तो वही जब ज्यादा अपना भगवान की जरूरत है, अरिंद भगवान वही ना, फिर अपना अरिंद भगवान नहीं है आप वो नहीं है नहीं तो वही अपना उसका वही मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, उसमें क्यों नहीं होते हैं वही कहते हैं क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं, शारीरिक और मानसिक क्षमता नहीं होती इस काल में। जैन परिभाषा में इसको कहते हैं संगायन बल, क्या बोलते हैं संगायन बल, जॉइंट कहते हैं जो और सब नाराज सबसे स्ट्रांग होता है। वे गिरते 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 एकदम पतला हो गया, थोड़ा गिर जाएगा तो भी फ्रैक्चर हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोनों वीक हो गए, क्या हो गया। और हम समझते हैं कि खाने से शक्ति मिलती है, यही तो रोग मिलता है, तो नहीं खाते थे फिर भी 6 महीने तक खड़े हो सकते थे हवा से, पानी भी नहीं, खुराक भी नहीं। साइकिल एक क्षमता है, एक अपनी कैपेसिटी है और वो डेवलप किया है तितिक्षा से। कैसे नहीं, वो मनीषा कैन भी बोल रही है ना कि अपने वहाँ पे काल चक्र है पहले से छठा, छठे से फिर से पहला, पहला आएगा ऐसा चलता ही रहेगा। कुदरत का सॉफ्टवेयर ऐसा कैसा है, how do we understand it, कि ये पहले से सेकंड कैसे जाता है, थर्ड कैसे जाता है, वो आदर एनी एंड पूरा पूरा पैकेज, पूरा पैकेज देखना हो तो केवल ज्ञानी का काम है, मगर केवल ज्ञानी भी देख करके एक्सप्लेन करते हैं जो हम समझ पाते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। क्या बताएं, हमारी क्षमता इतनी, हमारा विजन इतना नहीं है, मगर हम समझ सकते हैं। आप समझे, केवल ज्ञानी देख सकता है, सब कुछ देख सकता है, मगर ये ऑटोमोड सिस्टम है। क्या है, चलती ही रहेगी। काल चक्र के अंदर जो इंसान होते हैं जीव, वो जीव अपने कर्मों के मुताबिक घूमता रहता है और काल चक्र अपने स्वभाव से घूमता है, वो बट नहीं चल रहे। और इंसान जो गलती करता है, कर्म बांधता है, वो कॉज एंड इफेक्ट है, वो इंडिविजुअल है और ये जनरल है फॉर ऑल। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट जो है वो प्रिंसिपल सेम ही, जीव को पहले से लेकर छठे तक नहीं, जीव जीव को कॉज एंड इफेक्ट होता है। हां जीव को, बट प्रिंसिपल सेम ही है। तो एक ही पहले आराम में थे, दूसरे में थे, तीसरे में थे, चौथे में थे, ये खंड में हो, वो खंड में हो, कोई भी एक ही रहेगा। कुदरत का काम तो बियॉन्ड है ना, वो क्षेत्र के आधार से काम नहीं करता है ना। 15 कर्मभूमि है, दोनों 15 कर्मभूमि एक ही प्रिंसिपल है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि ये भारत देश है, इसका संविधान है, तो 30 स्टेट है, तो 1 स्टेट में दूसरा अलग है, तीसरे दूसरे में अलग, ऐसा नहीं होता है। भारत का संविधान तो पूरे कंट्री में होता है, ऐसा है। कोई स्टेट का डेवलपमेंट कम है ज़्यादा है, वो इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट थिंग, बट द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर
ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ सबके लिए होता है। डेवलपमेंट इंटरनल अलग अलग हो सकता है, भौतिक का हो, धार्मिक का हो, या एजुकेशन का हो, या मेडिकल फील्ड का हो, एग्रीकल्चर का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो सबका अलग अलग हो सकता है। मगर मगर भारत का संविधान सबके लिए एक ही रहेगा, ऐसा नहीं, कुदरत के काम एक ही रहेगा। सब क्षेत्र का अपना अपना स्वभाव अलग अलग रहेगा, कुदरत का कानून अलग नहीं रहेगा। जैसे अफ्रीका अंडर डेवलप है, भारत मध्यम है, एशिया और यूरोप अमेरिका डेवलप है, तो वो तो रहेगा भौतिक दृष्टि से, मगर कुदरत का कानून सबके लिए क्या है, डेवलपमेंट के आधार से कम है ज्यादा है सबने, वो एक ही है सबके लिए, नहीं माने तो भी यही है। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि हम उदय कर्म के नाम से बेनिफिट उठा लेते हैं, तो वो कैसे डिफरेंस समझ लेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब चीज हो गई तो हम बोलते हैं हाँ वो तो उदय कर्म था करके छोड़ देते हैं, तो वो कैसे समझेगा कि उस टाइम पे चार्ज किया था या डिस्चार्ज था वो? नहीं, है तो डिस्चार्ज, मगर लाभ लेने का मतलब यही होता है कि आपके विजन रिलेटिव सत्य है, लाभ और नुकसान ही रिलेटिव सत्य है। आध्यात्म में तो प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है, तो ज्ञान निकालना है। जब रिलेटिव सत्य में चले गए तो मिस यूज कर सकते हैं कोई भी चीज का, जैसे चाकू होता है तो हमको साग संवारने के लिए होता है, ठीक है, सब्जी के लिए होता है, ठीक है, मगर किसी को मार भी सकते हैं ना, इसमें चाकू की गलती क्या है, चाकू की गलती है तो मिसयूज करना है तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं वो मिसयूज भी होगा तो भी उसका भी अपना कर्म की इधर से और किसका भी दोनों का हिसाब जो रहता है उसके हिसाब से कुछ इसके हिसाब से ही होगा, मगर फिर भी ये होने के बाद जब आपके पास अज्ञान होगा क्या होगा, तो कर्म तो बनेंगे, उदय कर्म है वो एक अलग बात है, उदय कर्म तो कंपलसरी है, मगर उदय कर्म के साथ अज्ञान रहेगा तो नया कर्म भी बनेगा, भले उदय कर्म है फिर भी, लेकिन वो टाइम पे सेपरेशन रह गया कि अपने जो किया तो उसने किया है, वो टाइम पे सेपरेशन मैं और अपना ये किया और दोनों अलग है, तो वो टाइम पे नया कर्म नहीं बनेगा ना, नया कर्म तो बनेगा मगर वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। मैंने कहा लास्ट वर्ग के पहले हर वर्ग में कर्म तो होते ही है, कंपलसरी है, मगर उनका एंगल अलग अलग होता है, एक संसार के लिए लायक और सहायक हो तो दूसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक, इतना डिफरेंस होता है। कर्म तो बनेंगे, पुरुषार्थ इज इक्वल टू कर्म, और स्वभाव का मतलब होता है कर्म नहीं बनना, लास्ट वर्ग में स्वभाव होता है, प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, और प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं क्योंकि अज्ञान नहीं है, बस तो अपना सेपरेशन रहता है उसमें अपना खाली कर्म तो बनते हैं, लेकिन अपना जैसे वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक से वही खाली अपना होता है। हाँ वही, लेकिन वो वितरक का वितरक स्टेज नहीं वो बनते तभी से वो आए कि नहीं आए, नहीं वितरक जब भी वो सेपरेशन रहता है तब वो स्टेज अपने वितरक की स्टेज नहीं, वितरक नहीं कहे, ओके, वितरक था कि और ले जाने के लिए ले जाए वे तो खाली उसको मार बोल सकते हैं उसको, फिर वितरक का रिजल्ट में आए, रिजल्ट में आए, जैसे राग द्वेष आता है होता है देखते ही, ऐसे वितराग का रिजल्ट में आएगी, राग द्वेष भी रिजल्ट में आता है, वितराग का भी रिजल्ट में आएगा, फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने एग्जाम पास कर लिया तो दूसरी बार पास करने की जरूरत है, और उसका रिजल्ट आएगा, ऐसा है। स्वामी जी, ये अपना दूसरा एक क्वेश्चन उसके समझ अभी बात कर रहे थे कि अपना ये पूरा दृष्टि समझने के लिए अपना वो चिंतन मनन मुझे लगता है कुछ उसका वो खाली ये सत्संग सुनने का ये जो रहेगा उसी पर मतलब जो भी रहेगा उसको मर्म समझने के लिए उसको ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे तो मुझे लगता है उससे फायदा ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है वो आपका चिंतन मनन तो बराबर है, चिंतन मनन से ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते रहो तो उसमें से आपको कुछ क्ल्यू निकलेगा, ऑब्जर्व नहीं करूँगा तो छोटी बात में फंस जाऊँगी, आपको आपका विजन ब्रॉड बनाना है, छोटी बातों को पकड़ के रहोगे तो आगे नहीं जा सकोगे, वहाँ पकड़ के रहोगे,
लेकिन ऑब्जर्वेशन, लेकिन अपना स्वामी जी ऑब्जर्वेशन सर एक बार ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कभी लेकर अपना आपको मन को सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष नहीं तो बोलना कि आपको थोड़ा अपना एक शांत मन वहाँ शांत जगह पे जाके आपको थोड़ा वो टाइम पे चिंतन मनन करना पड़ता है। चिंतन मनन करना अच्छी बात है, जरूरी भी है, उसमें कोई मना नहीं है और करना भी चाहिए। मगर एक बार चिंतन मनन करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब शांत है तो चिंतन मनन करो, अच्छी बात है, रिसर्च। मगर जब आप प्रैक्टिस में होते, व्यवहार की प्रैक्टिस में, तो ऑब्जर्वेशन आपके विजन को बहुत ब्रॉड बनाना है। हमको सोचना है कि आखिर इस संसार में हम कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जाने वाले हैं, दोनों में से एक भी नहीं है, शरीर भी साथ में आएगा, वो भी नहीं आएगा, ये संबंध सत्ता संपत्ति साधन साथ में आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो ये पूरी पैकेज के अंदर कौन सी बात को पकड़ के रखना है या बाईपास करना है, यू थिंक अबाउट। वैसे भी आपको बाईपास करती है वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आपका राजद्वेष है। क्यों राजद्वेष है? क्योंकि अज्ञानता है। चित तो बाईपास करती है आपको, कंपलसरी है। जैसे आज 20 तारीख हुई तो 19 तारीख और दिसंबर 2019 उस तारीख इससे पहले का जीवन आपका समाप्त हो गया। यस और नो? यस। आपका ब्रीथ, आपकी लाइफ और आपका हिसाब क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। समझ गया? वो आपका जीवन समाप्त हो गया। अभी आप आज का ब्रीथ, आज का आयुष्य आज के लिए, कल के लिए नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन करोगे, ब्रॉड विजन देखोगे, तब समझ में आएगा ना। अब करंट सब्जेक्ट में डीप में जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। बरोबर। यू हैव टू ऑब्जर्व। यस भाई, रिक्शा वाले ने, कार वाले ने, टैक्सी वाले ने मेरे पास 200 रुपया मांगा और इसका चार्ज होता है 150 रुपया एग्जाम्पल। और मैंने कहा भी 150 होता है, बोलता है नहीं साहब 200 हुआ। फिर समझाने की कोशिश करें, भी 150 होता है, हम कई बार आते हैं, पुराने साहब 200 होता है, तो हमको एक दो बार पूछना है करेक्शन के लिए, फिर छोड़ देने का है। इसका वेट नहीं देना है, क्योंकि हमारा लाइफ 50 रुपया की वैल्यू वाला नहीं है। हमारा विजन, हमारा उपयोग वो 50 रुपये की वैल्यू वाला नहीं है। आप समझे? इससे हमको आगे बढ़ना है। अभी ऐसा ही आए थे रहेगा, बोला वो बोबा जिसे आपको रिक्शा पकड़ दो, वहाँ से अपना आपको प्रॉपर हो जाएगी, यहाँ से पकड़ेगा तो मेरे को ठीक है, चलो रहने दो, अपने को कम कर, जितना भी मिनट 2-5 मिनट अपना सत्संग उतना अपने को कम सुनने को मिलेगा, उसी भी उसके सत्संग की वैल्यू ज़्यादा है, उसे 40 रुपये उसको पकड़ के मिलेगी कोई तो ऐसा होता है। तो हमको मतलब पैसा देना लेना वो उदय कर्म है, मगर दृष्टि की बात करता हूँ, ये एक्शन उदय कर्म है। आपके विजन में क्या वैल्यू है? दिया लिया वो व्यवस्थित है, उनका पाप और पुण्य है। ये तो एग्जाम्पल इसलिए देते ताकि आपका विजन क्या होना चाहिए वो बताता हूँ। यहाँ एक्शन में इम्पोर्टेंट मत दो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर विजन क्या होना चाहिए। ऐसे 40-50 रुपये के अंदर हम स्ट्रक हो जाए, अपना विजन को स्ट्रक कर दें कि आगे बढ़ना है, दैट इज ये इम्पोर्टेंट। नहीं, वही एंगल से लोगों को अगर वो चीज़ अभी ऐसा है इसमें कि बहुत से लोग ऐसा इतना स्टेज पे हो गया तो ऑब्जर्व, क्योंकि वहाँ पे खाली वो सुनते रहते हैं, खाली अपना मन का मनोरंजन जैसा हो जाता है, लेकिन अपना जो हृदय का रंजन जो होना चाहिए वो कभी नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन वो जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती है, चिंतन मन नहीं होती, प्रैक्टिकल सुनने के बाद जब होता है तब उसे एप्लीकेशन नहीं होता है। मैं हर जगह छोटा होता छोटा था, तब से जब जगह कोई भी जगह जाता था तो ऑब्जर्व करता था आखिर क्या है। लोग इकट्ठे होते हैं, गेट टूगेदर करते हैं, संसार की बातें करते हैं, आप समझे ना, तो फिर टाइटल कोई भी दे दो मगर वास्तविकता तो वास्तविकता है, तो यही बात होती है। तो मैं यही ऑब्जर्व करता था, किसी को गलत कहना है सही कहना वो नहीं करना है, अपने को ऑब्जर्वेशन करता है कि इसमें कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत, ऐसा ही चलता रहेगा, हमको राजस नहीं करना है, ऐसा ही होगा,
मगर हम इसको क्या समझे वो हमारा समझे अपनी ट्रस्ट है. फिर बाद में आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपका खुद का ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी उसी बात में पक्का हो जाएगा. आम लोगों का नहीं होगा ऐसा. वही ना सर, अपना स्वामी जी अपना आपका जो सत्संग उनतीस अपने बड़ा सुनना है, उसके बाद में वहाँ बहुत चेंजेस आ गए. ओके, अभी क्या अभी हम लोग खाली प्रिंसिपल ही पकड़ते हैं. बहुत अच्छा. तो अपना सिद्धांत के बाद भी क्या अपना जो चीज़ अपना जो अपना ये पक्का करना वो चीज़ पे नहीं अभी जाता, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस भी उसका बहुत बढ़ गया. स्वामी जी, मनीषा आंटी के घर पे हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप आए हो, वो हमारा सबका ध्यान भी रखते हैं, और उनके मन में ये है कि ये कुदरती रचना है, मैं अलग हूँ, तो फिर उनको ये सारी चीज़ों का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? तो डूअरशिप रोल के तो मिलेगा. तो वो अगर नहीं है डूअरशिप रोल में तो उनको वो पुण्य भी नहीं मिलेगा. डूअरशिप नहीं है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो, और डूअरशिप होगी तो पुण्य मिलेगा, संसार के लिए लायक. और आगे वो वही पुण्य तो सवाल ही है, सवाल ही नहीं. तो पुण्य तो होगा ना, बट वो मोक्ष के सहायक होगा. हाँ, तो वो मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक वो अज्ञान निकालने का है, और संसार के लिए लायक सहायक का मतलब होता है इंद्रियों से भुगतान करना है. दोनों का सब्जेक्ट अलग है. यहाँ अज्ञान मिटाने के लिए हेल्प होगी, और यहाँ इंद्रियों को आनंद लगेगा, ऐसा संजोग मिलेगा. दोनों के पुण्य की क्वालिटी कैटेगरी अलग है. स्वामी जी, एक बार आपने बताया था कि अपने शुक्ल जन्म में चौथा जन्म में जाते हैं वो पुरुष आते हैं, जरा समझेंगे वो कैसे पुरुष आते हैं? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चारों ध्यान है. केवल ज्ञान वो ध्यान नहीं है, वो अनुभूति है. शुक्ल ध्यान वो ध्यान है. जो ध्यान है आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान ये अवस्था में उत्पन्न होता है आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक. तो ज्ञानी पुरुष जो लिखते हैं ना, तो आम लोगों को समझ में नहीं आता है. ज्ञानी कहते हैं कि अर्थ ध्यान, रूप ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो परिणाम है. आप तो उन्होंने लिखा है अर्थ ध्यान, रूप ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो परिणाम है, मगर समझ में नहीं आता है. मतलब परिणाम का परिणाम आएगा, परिणाम क्या है? आपके ज्ञान दर्शन का परिणाम है वो. तो पुरुषार्थ है, परिणाम तो उसको कौन से एंगल से बताया वो समझना है. आपका ज्ञान दर्शन है उसका ये परिणाम है, चाहे अर्थ ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है, शुक्ल ध्यान भी होता है, मगर ये परिणाम का मतलब होता है आपकी दृष्टि का वो परिणाम है. मतलब पुरुषार्थ हुआ, क्या हुआ? बीज. अर्थ ध्यान ऐसा नहीं होगा, रौद्र ध्यान ऐसा नहीं होगा, धर्म ध्यान ऐसा नहीं होगा, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकेगा. आपका ज्ञान दर्शन कैसा है, आपका ज्ञान दर्शन का लेवल क्या है, उसके हिसाब से ये सब रहेगा. तो उसने परिणाम का मतलब बताया, ज्ञान दर्शन का परिणाम है. तो हमने क्या समझा, ये उदय कर्म है? उदय कर्म नहीं है. अरे पहले तो आज से 20 साल पहले तो कहीं कितने आपदा पुत्र के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था कि दादा भगवान ने बताया थे कि परिणाम है, तो परिणाम का परिणाम कैसे आएगा? मतलब परिणाम नहीं है, पुरुषार्थ. ये शब्द परिणाम लिखा है वो आपके ज्ञान दर्शन का परिणाम है, वो रिजल्ट नहीं है, कॉज की इफेक्ट नहीं है. ज्ञान दर्शन की इफेक्ट है, इसे कर्म नए बनते हैं जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में. तो ये मैंने कहा ना कि जब शब्द सुनेंगे तो लोग क्या शब्दों को पकड़ लेते हैं. नहीं, हमारे मैं और मनीष दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ था, तो वो अभी भी वो वही मान रहे थे अपने कर्म का. उन्होंने स्वामी जी ने बताया वो पुरुष आते हैं. ज्ञान दर्शन का परिणाम है आपका, जैसा ज्ञान रहेगा, दर्शन रहेगा, इस प्रकार से अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परिणाम के रूप में आएगा. फिर उसका जो कर्म बनेगा उसका रिजल्ट नेक्स्ट. ये परिणाम का मतलब विचार नहीं है.
आपका ज्ञान दर्शन का परिणाम है और उसका ज्ञान दर्शन का परिणाम और कॉजल लेवल पे वापस बाद में कॉज बनेगा ना ज्ञान दर्शन से आपका ज्ञान और दर्शन है उसके आधार से ये चार ध्यान होते हैं इससे जो कॉज बनेगा इसका रिजल्ट नेक्स्ट पर आएगा कहा ना हर बात को समझना पड़ेगा अभी समझ में मतलब उस टाइम पे फिर वो चार्जिंग पहले इतना बड़ा होता था तो वो ज्ञान दर्शन के परिणाम से चार्जिंग छोटा 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 होके एक टाइम ये आएगा कि ज्ञान दर्शन के परिणाम से वो चार्जिंग बंद हो जाएगा मतलब अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान वो अज्ञान है धर्म ध्यान धर्म ध्यान है वो शुभ है आर्थ ध्यान रूप ध्यान अशुभ है और शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध की ओर ले जाता है अशुभ शुभ और शुद्ध तो कुछ नहीं होगा तो शुक्ल ध्यान सेपरेशन इसमें आर्थ ध्यान रूप ध्यान धर्म ध्यान धर्म ध्यान का मतलब पुण्य आर्थ ध्यान रूप ध्यान का मतलब पाप और शुक्ल ध्यान का मतलब होता है सेपरेशन शुक्ल ध्यान का मतलब तो मैं कौन हूँ वो जानना और बाकी मनोचन काय की अवस्था मात्र उधर जलता है तो वो शुक्ल ध्यान है तो ध्यान का मतलब आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग सेपरेशन में आ गया है इससे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक साधन बनेंगे धर्म ध्यान से पुण्य बनेगा और अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान से पाप बनेगा ऐसे चार प्रकार के ध्यान है तो वो पुरुषार्थ वाला ध्यान है परिणाम वाला ध्यान नहीं है मगर शब्द जो होते हैं मैंने कहा ना ज्ञानी पुरुष की भाषा समझना इतना आसान नहीं है कहीं लोग गलती कर देते हैं कहीं लोग वो शब्द को पकड़ लेते हैं प्रिंसिपल को नहीं पकड़ते दादा भगवान ने कहा परिणाम है परिणाम है तो परिणाम का परिणाम नहीं आएगा परिणाम नहीं है पुरुषार्थ आप पढ़ो पूरे पैराग्राफ को तो बताएगा कि वो किसका परिणाम है ध्यान का मतलब ही है आंतरिक दशा ये बाह्य दशा नहीं है क्रोध मान माया लोभ डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोभ ये डिस्चार्ज है एक्शन के फॉर्म में अर्थ ध्यान रूप ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये पुरुषार्थ है चार्ज है क्रोध करते हैं मान दिखता है माया कपट करता है लोभ ये सब डिस्चार्ज है इसमें जुड़ जाते हैं तो फिर चार्ज है मगर है डिस्चार्ज डिस्चार्ज में जुड़ गया वहां तो चार्ज खड़ा हो गया फिर अंदर है डिस्चार्ज उसमें जुड़ गया तो चार्ज नहीं तो डिस्चार्ज दिया ज्ञान दृष्टि होनी ज्ञान दृष्टि चले ध्यान का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन उस समय का ज्ञान और दर्शन क्या है उसी प्रकार से आपका ध्यान रहेगा अगर आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता हूं तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होगा मैं किसी को हेल्प करने के लिए जीता हूं ये ज्ञान रहेगा तो धर्म ध्यान होगा मैं सिर्फ आत्मा के लिए जीता हूं तो शुक्ल ध्यान होगा तो ध्यान के ऊपर है जैसा ध्यान वैसा ज्ञान ये सभी छोटी छोटी बातें हैं मगर प्रिंसिपली समझना पड़ेगा बात छोटी है मगर सिद्धांत बहुत जरूरी है माइनूटली समझना पड़ेगा समझिए अपना जिस दादा भगवान का अपना वो 11th 11 तक गए थे वो तो ऑप्शन डाउन से वो 7 से 11 ऑप्शन डाउन अपना ऑप्शन डाउन से ऑप्शन डाउन से
वो स्टेबल नहीं होता है। बार बार आप पैर गए तो फिर स्टेबल होता है, फिर गिरता नहीं। इसलिए अपना जो 356 या 357 की डिग्री तक उसको बोलते हैं, वहाँ तक नहीं सर, 350 से वहाँ तक गए, बाद में अपना नीचे भी आ जाओ। स्वामी जी दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि अपना जैसे पुद्गल जो है वो अनुपरमाणु का बना हुआ है, तो अपना जो चेतन है वो कौन सा तत्व से बना हुआ है? उसमें अनुपरमाणु नहीं है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये लाइट है वो जड़ प्रकाश है, उसमें ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान है तो दर्शन है, ज्ञान नहीं है दर्शन नहीं है। ट्यूबलाइट को ज्ञान दर्शन नहीं है। आत्मा में ज्ञान है और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को दर्शन है। ज्ञान नहीं है दर्शन कैसे होगा? ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान दर्शन नहीं, केवल ज्ञान है, और इसी ज्ञान में ये दुनिया का सनातन सत्य प्रकट होता है, अनुपमण होता है, इसको दर्शन कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, मैं को कौन हूँ वो जानना वो ज्ञान है, और पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है वो समझना वो दर्शन है। Okay. मैंने ज्ञान दर्शन की डेफिनेशन ये दिया है। Okay. ब्रह्मांड को सिद्धांत से जानना वो दर्शन है, दर्शन है। Okay. और आत्मा को सिद्धांत से जानना वो ज्ञान है। तो दादा भगवान की व्याख्या अलग है, वो कई छुए ने ज्ञान दर्शन अने आज है ए, सबने अपने अपने लेवल से अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है। मेरे को यही सूट होती है, ज्ञान और दर्शन, आप समझे। और मैं जो मेरे को दर्शन में दिखता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है, वही मैं पेश करता हूँ, आप समझे। महावीर को क्या अनुभव में आया वो मैं पेश नहीं करता हूँ। श्रीमद राजचंद्र को क्या अनुभव में वो मैं पेश नहीं करता हूँ। दादा भगवान को क्या अनुभव में वो मैं पेश नहीं करता हूँ। मेरे को अनुभव में वो मैं करता हूँ। रेफरेंस सबका देता हूँ समय समय पर, मगर प्रेजेंटेशन करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सबका वो अपना लेवल वो हिसाब से, अभी जो पहले पे रोशन पूछा था भाई भाव क्षेत्र में ये, क्योंकि आपने बोला वो ना कैसा दादा भगवान व्यवस्थित शक्ति की शब्द प्रयोग करते हैं। मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूँ, तो बात तो एक ही है, बात एक ही है, प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। मैं व्यवस्थित शब्द बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि सामने जो है उसके हिसाब से उसको समझ में आ रहा है। मेरे विजन में मेरे शब्दों का पावर रहेगा, उनके विजन में उनके शब्दों का पावर रहेगा। अनुभव जो किया है उसका जो प्रेजेंटेशन है वही तो अनुभव है, वही तो अनुभव है। अनुभव है तभी वही सिद्धांतों को आप अपने एग्जाम्पल से अपने डेफिनेशन के हिसाब से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो आपका अनुभव है, सिद्धांत तो सिद्धांत है, मगर जिस प्रकार से आपने अनुभव किया वो आप प्रेजेंट करते हैं, वो आपका ओन एक्सपीरियंस है। और वो भी अपना है, वो अपना वो काल तक या क्षेत्र तक ही आपका वो लिमिट लिमिट में रहेगा ना। वो क्या, वो जो आपका जो अनुभव वो जो रहेगा वो काल तक का जो रहेगा वही आपका वो रहेगा, वही रहेगा। सबका ऐसा होता है, सबका ऐसा होता है। इसीलिए कहा ना कि भाई अभी सभी तीर्थंकरों का ये भी मालिक का शासन है, सबका शासन कायम हो जाता है। तो आज महावीर की बात लोग ज्यादा करेंगे क्योंकि उनका शासन है, बाकी लोग बाकी की बात छोटी छोटी करेंगे, कोई का प्रसंग है वो हाईलाइट करेंगे, मगर महावीर का पूरा जीवन करेंगे। बरोबर, वर्तमान तक वो जो अंतिम तीर्थंकर है उसका ये शासन है ना, ऐसा वही उसका उसका क्षेत्र है, उसका काल जो रहेगा वहाँ तक रहने वाला उसका, उसके जो है अपने आज की तारीख में सबका वो उसका जो ज्ञान रहेगा आज की तारीख वो लेवल तक का वो रहेगा। इसलिए अपना सबको समझ में भी आएगा, थोड़ा आगे वाला जो तीर्थंकर को समझ में नहीं भी आएगा। वो चार घाती कर्म के नाश होने के बाद भी
लेवल से गिर सकते वो केवल दर्शन है, ज्ञाति कर्म का क्षय हुई तो केवल अच्छा, दर्शन और केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान का बीज होता है। नेक्स्ट बटन केवल रीडिंग में है, केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान पुरुषार्थ से है ही नहीं। वो तो केवल ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है नहीं, केवल अज्ञान को मिटाने के केवल दर्शन की जरूरत है। केवल ज्ञान तो है इसीलिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, अज्ञान को मिटाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, वो केवल दर्शन है। और कौन सा अज्ञान मिटाना है? मैं कौन हूँ, मैं कौन, वो तो आपने समझ लिया। मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, वो आपने समझ लिया। अभी कौन सा अज्ञान मिटाना है? तो ये दुनिया का सनातन सत्य और व्यवहार सत्य, व्यवहार सत्य वो अज्ञान है, सनातन सत्य वो विज्ञान है। तो विज्ञान से अज्ञान को मिटाना है, मिटाओगे तो राग द्वेष नहीं होगा। ये दृष्टि की बात है। फिर कौन से लेवल तक हमें ज्ञानी की संपर्क जरूरी है? कलयुग में तो मुझे लग रहा है ऐसा कि जरूरी है, तो कलयुग में लेवल ही नहीं पहुंच सकता तो केवल दर्शन तक, केवल ज्ञान में जरूरी है। फिर बाद में कुदरत रस में लास्ट बर्थ होना, केवल ज्ञान होना, तीर्थंकर का दर्शन होना, ये सब उदय करना है सबका, उसमें किसी का पुरुषार्थ नहीं है। क्वालिफाइड होना वो इम्पोर्टेंट बात है, क्वालिफिकेशन के आधार संजोग देना वो कुदरत का काम है। तो उसका मतलब ये हुआ ना स्वामी जी के भाई, मान लो कि दादा भगवान के 357 350 दो तीन नंबर डिग्री के लिए भी उसको थोड़ा ज्ञान और थोड़ा वो दादा भगवान को भी थोड़ा लेना रहेगा, फिर बाकी रह गया। नहीं नहीं वो तो बराबर है, प्रिंसिपल की बात करो मैं तो उसका 10% केवल दर्शन हुआ नहीं है। हाँ तो इसलिए अपन 3-4 डिग्री के लिए भी अपना जो अपना अपने जो अपना तब तक वो रहेगा तब तक उसको ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा जो संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। वो तो इनको 356 डिग्री था, हमारे पास जो मिला हुआ है वो 356 डिग्री नहीं है, तो है ही नहीं। आपका जो अनुभव हुआ वो आपका लेवल है, आपको मिला वो आपका लेवल नहीं है। महावीर ने तो केवल ज्ञान तक का ज्ञान दे दिया, मगर आपको नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वो तो वो अपने पहले ही बता दिया, वो हमारे बीच में नहीं है। हमने पहले भी साइंटिस्ट वो है, लेकिन अपना साइंटिस्ट आप है, लेकिन मेरे पास बीज ही नहीं है, तो मैं आपको म्यूजियम कैसे बनाएंगे? दैट्स तो इसीलिए देने वाला समर्थ हो सकता है, अच्छी बात है, मगर लेने वाला भी समर्थ होगा तो देने वाला दे सकता है और लेने वाला ले सकता है। मगर देने वाला समर्थ है लेने वाला समर्थ नहीं है तो वो उसको नहीं मिलेगा। फिजिकल ज्ञान मिलेगा, अनुभूति रिसीविंग पावर नहीं है। अगर लेने वाला समर्थ है और देने वाला समर्थ नहीं है तो वो डेवलपमेंट कर सकता है, क्या कर सकता है? तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ा विज्ञान है, धीरे धीरे समझता है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से धीरे धीरे ये विज्ञान को अपनी दृष्टि से ब्रॉड बना के समझने की कोशिश करो। ये विश्व पूरा शून्य है, क्या है? शून्य है, और मैं पूर्ण हूँ। और शून्य के अंदर फंस गया क्योंकि रिलेटिव सत्य, क्या बताया? और वो रिलेटिव सत्य मेरे विजन में आया, बस ये मेरी गलती हो गई। रिलेटिव सत्य तो है मगर मेरे विजन में नहीं होना चाहिए, मेरे विजन में सनातन सत्य होना चाहिए। उदय में भले रिलेटिव सत्य है मगर विजन में सनातन सत्य है, तभी क्लियर होगा। ये तो उदय में भी रिलेटिव सत्य और विजन में भी रिलेटिव सत्य, तो साइकिल चलती रहेगी। और हमने पहली बार कहा है कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। आज तक अज्ञान लोगों ने कहा, ज्ञान लोगों ने कहा और विज्ञान भी कहा, मगर अज्ञान किसको कहेंगे? टाइटल किसको लगेगा अज्ञान? तो क्या रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहेंगे? रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, आप समझे? नहीं तो कोई रिलेटिव सत्य को अज्ञान नहीं कहेंगे, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान। बहुत बड़ी बात है।
तो ये संसार का अज्ञान क्यों है? क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू कैसे मिटेगी? सनातन सत्य जानो, क्या जानो, बस। और यही रास्ता है। समय हो गया है, प्रार्थना कर देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के बस मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।